गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो आज इसलिए बनानी पड़ रही है अब 4:30 बजे, क्योंकि आज मार्केट में जिस तरीके से भयंकर बिकवाली हुई है और मार्केट में निफ्टी ने अपना एक रेड कारपेट चेहरा दिखाया है। रोज़ाना हरियाली छा रही थी, लोग कह रहे थे हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन आज जैसे ही मार्केट ने अपना रुद्र रूप दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया, तो आप लोग सभी सहमे सहमे से हो गए, डर गए हैं। बहुत लोगों का फ़ोन आया, सर मैं तो ऐसे डर गया हूँ। ऐसे नहीं डरना है। यही वो लम्हे होते हैं, यही वो क्षण होते हैं जहाँ पे हमें अपने जो घरों में बैंकों में तय बना हुआ पैसा है ना दोस्तों, उसे निकालिए और बिल्कुल डिस्काउंट पे शेयर मिल रहे हैं, तुरंत खरीद मारिए। अभी 4 दिन पहले BASF इंडिया 1870-75 के रेट पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज वही BASF इंडिया फिर से 1480, 1490, 1470 आ गया। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या BASF इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी, शेयर मार्केट बर्बाद हो जाएगा 200-250 पॉइंट की करेक्शन से? क्या बिल्कुल दुनिया तबाह हो जाएगी? बड़े भाई, ये करेक्शन सिर्फ इस वजह से आई, एक तो पहली बात हमारी वीडियो देखिए कल वाली, एक तो आपको उससे पता चलेगा कि करेक्शन क्यों आई। दूसरी चीज, कोई भी चीज भागती रहेगी, थोड़ा सा थकेगी नहीं, सांस नहीं लेगी वो। अब निफ्टी भागे जा रही है, आज भी 11700, 730, 20 तक हो गई, बड़ी तेजी से 750 तक चली गई, 11750 तक, बाप रे बताओ। तो भाई वहाँ से निफ्टी का करेक्शन होना 250-300 पॉइंट, मार्केट का गिर जाना, फिर ऊपर से इस बार सेबी ने प्लेज वाली जो डेट बार बार एक्सटेंड कर रही थी, तीन तीन बार एक्सटेंड किया। हिंदुस्तान है, हमेशा डेट आगे बढ़ती रहती है, डेट बढ़ा दी, फिर डेट बढ़ा दी। इस बार फिर हम सोच रहे थे कि डेट बढ़ा देंगे वो, उन्होंने बोला नहीं इस बार फाइनल है भाई, डेट को यही रखेंगे। लेकिन एक जो थोड़ी सी निराशा निर्मला ताई ने हमें दी है वो दोस्तों ये है कि 3:15 पे जो स्क्वायर ऑफ टाइम है उसको 3:10 करने जा रही हैं। अब ये फाइनेंस मिनिस्टर पता नहीं 5 मिनट में ऐसा कौन सा अपना लंच बॉक्स खा लेंगी, या हम लोगों को कौन सा ऐसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है कि जो 5 मिनट पहले हमें करना होगा। तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा इससे निराशा हाथ लगी है। हालांकि मुझे लगता है कि ये टाइमिंग 3:15 से 3:10 होगी नहीं, एक प्रपोजल रखा उन्होंने, लेकिन वो प्रपोजल इतना ऐसा प्रपोजल है कि मार्केट सहम गया कि भाई, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पता नहीं प्रपोजल को फाइनल डिसीजन में ना बदल दें। तो वो एक थोड़ी सी बात गड़बड़ है, बाकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, फिर उसकी भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी जितने डिस्काउंट पे आपको शेयर मिल जाएं, आप उनमें छोटी छोटी क्वांटिटी लेके और आने वाले फिर 2-4 दिन में मार्केट बहुत बढ़िया ऊपर जाने वाली है और मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। नहीं तो फिर दोबारा से फिर वही वाली कहानी आप लोगों के साथ हो जाएगी जो मार्च में हुई, कि बहारें आई और चली गई, हम देखते रह गए। बहारें आई भी और चली भी गई, हम देख रहे हैं अब गिरेगा। भाई कभी नहीं गिरता मार्केट, हमेशा बुलिश रहता है। जितनी बार जितना नीचे गिरेगा उससे ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा, यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। दोस्तों मेरे संदेश को थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए और हमारी वीडियो, हमारे चैनल को लाइक कर लो भाई, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। इसे लाइक करके देखो, कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बेहद खूबसूरत, बहुत बढ़िया नॉलेज आपको आने वाले समय में इस चैनल पे देखने को, समझने को मिलेंगी, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। स्टॉक मार्केट के ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे लर्नर हो जाएंगे। हम भी लर्निंग कर रहे हैं, आप भी लर्निंग करिए और मार्केट में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बनोगे, हमारे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी। हम लोग, हमारी टीम काम कर रही है तो उनको भी तो बूस्टअप मिलना चाहिए। तो अब इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।